विन मार्गरिटा बार बार कैसे आ रहा है लेमन सोडा ये आए हाँ ओ ये चीज की बोतल वही है जो आप छोटे होते शापरों में नहीं लेके पीते अच्छा पीला है। अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज अहमद रियाज। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल फिट फाट ठीक ठाक। अच्छा यार, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो सबसे पहले रमज़ान मुबारक। और यार अच्छा, रमज़ान में ना हमने देखा कि पाकिस्तान में यह होता है, मोस्टली पाकिस्तान में यह होता है कि पूरा दिन जो है ना वो एक खामोशी होती है, एक ब्रेक होती है तकरीबन। और जैसे ही सहरी ख़त्म होती है, अफ्तारी ख़त्म होती है, तो सहरी तक एक जो है ना वो स्ट्रीट फूड का एक माहौल जो है ना वो सरगर्म हो जाता है कि हम लोग बाहर निकलते हैं अफ्तारी के बाद। और वैसे भी अफ्तारी के बाद अमूमन ये होता है कि हम खाना नहीं खाते, और जो है ना वो कुछ क्रेविंग्स होती हैं उसके बाद थोड़ी देर तक, तो हम ऐसे कुछ स्ट्रीट फूड जो है ना वो छोटा मोटा या हल्का फुल्का लेते हैं। तो इस रमज़ान मेरा यही प्लान है कि इफ्तारी के बाद जो है ना वो कुछ स्ट्रीट फूड डिस्कवर, मतलब स्ट्रीट फूड से ये मुराद है कि एक छोटी सी चीज़ जो कि अफोर्डेबल भी हो, ज़्यादा महंगी भी ना हो, और लोग जो स्ट्रीट फूड चलते फिर तक कभी किसी दिन कुछ खाना पीना, किसी दिन कुछ खाना, किसी दिन कुछ पीना, ऐसे करके ना पूरा रमज़ान, इस रमज़ान मेरा प्लान है। तो इंशाल्लाह थ्रू आउट द रमज़ान एक सीरीज़ हमारी चलेगी। उम्मीद है कि अगर आप लोग दुआ करें कि मैं कंटिन्यू कर सकूँ, क्योंकि मुश्किल होता है रोज़ाना का एडिटिंग, थंबनेल, बहुत मसले होते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आज की जो है ना वो शुरू करते हैं। आज भी हम एक जगह आए हुए हैं, और आज हम एक किस जगह आए हुए हैं अब्दुल्ला, आप दिखाएं हैं। हम आए हुए हैं लेमन सोडा पीने, तो लेमन सोडा के बारे में आपको बताते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले। ये भाई जिस तरह से बोतल खोलते हैं ना फटाक करके, वो मुझे डर लगता है मैं लग ही ना जाए मेरी। अभी देखना ये खोलना जरा यार बोतल। ओ दिला दिखाई जरा, आए हाँ ओ ये चीज मेरे कहना। अच्छा यार, हमारा लेमन सोडा आ गया। तो दुल्ला मेरा मिंट ग्रीटा जो भी कहते हैं। ओए मिंट मार्गरिटा यार, अमीरों का वही है, गरीबों का ये लेमन सोडा मिंट मार्गरिटा। यार ये गरीब अमीर वाली बात नहीं है, ये है कि इस रमजान हम पूरा एक अफ्तारी के बाद जो है ना वो हमने करना है सीरीज। किसी दिन पान होगा, किसी दिन दूध, किसी दिन कुछ, मतलब आज तो फर्स्ट डे, अभी वो करते हैं वो, अभी तो आज फर्स्ट डे है, मुझे पता है पिछले कुछ दिन गुजर गए हैं वो, मतलब थोड़ा प्लान बनाते बनाते देर हो गई है। दुल्ला कैसा है ये लग रहा है तुरे? यार मुझे तो मजा लगता है, क्योंकि एक तो सेवनअप का टेस्ट आ रहा है, नींबू। दुल्ला यार सेवन अप कह के तूने बिस्ती कर दी है, इतना हैवी है तो सेवन अप कही जा रहा है। अरे दुल्ला, वो लेमन की बोतल वही है जो आप छोटे होते शापरों में नहीं लेके पीते, वो गलियों के नुक्कड़ों में आप जैसे बच्चे, ये लेमन की बोतल वो वाली है। तो आप कौन सी पीते थे? और हम शुरू से ब्रांड ही पीते हैं। कौन सा ब्रांड है? रेड बुल हो गया रानी। और रेड बुल रानी यार जान दे गुस्सा। अच्छा यार, ये ना लेमन बोतल जो मिलती थी 5 की, तो 15-20 हो गई है। और ये लेमन सोडा जो बड़ा मजे का है, वो मजे का है। नींबू है ना जो, वो आप रिकमेंड करेंगे? हाँ मैं तो करूँगा, मैं खुद शौक से पीता हूँ। कितने यार डेली तो आप आते हैं? डेली ही तो यार। आप कितने नंबर देने 10 में से? मैं 10 of 10 नहीं है, मुझे बाकी मज़ेदार लगा। हाँ मज़ेदार है। और इसकी प्राइस बता के सबको हैरान करोगे, इतने मज़ेदार लेमन सोडा की क्या प्राइस है? 50 भी नहीं, 40 भी नहीं, 30 रुपये, पूरे 30 रुपये। यार सस्ती अड्डे ना दे, सही बता कितनी प्राइस है इसकी? 30 रुपये है। 30 रुपये है एक जो है ना, ग्लास का भी है, अच्छी मटीरियल बहुत अच्छी है। तो रिकमेंड करेंगे आप इसका? तो यार बिल्कुल, ये अच्छा पीला है। तो ये हमारी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। चेंज कर देते मैं कहता हूँ। ओ यार हरकतें छोड़ दे। तो हमारी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग इधर ज़रूर आएँ। लोकेशन दुल्ला गाइड करके, क्या लोकेशन पे हम इस वक्त बैठे हुए हैं? फैसलाबाद की। हाँ फैसलाबाद के शहर में, मतलब दिल में बैठे हैं, मकबा चौक में। बड़ा अच्छा इलाका है ये, प्यारा इलाका, गुलिस्तान कॉलोनी के पास मकबा चौक के सेंटर में हम लोग। और किस नाम से है इनकी शॉप, इनका जो भी लगा हुआ स्टॉल? अलमदिया ठंडा था लेमन सोडा ठा के साथ। तो यार आज की वीडियो बस यही है कि हमने लेमन सोडा पिया है। तो ये रमज़ान में ऐसे ही ना रोज़ाना डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे, और आपको वीडियो आती रहेगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो मस्त लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कुछ भी करें, दुआओं में याद रखिए। और क्या करें कमेंट में? कुछ भी करें। अच्छा कुछ भी क्या करें कमेंट में? यार जो मर्जी, जो आपका दिल लाए कमेंट कर दें। ओके हो गया, हम गुस्सा करने वाले लोग नहीं हैं। ओके तो आपका जो दिल लाए वो कर दें कमेंट में, हमें दुआओं में याद रखें। और अल्लाह ख़त्म हो गया, मैं एक और भी होऊंगा इंशाल्लाह, ये मस लूँगा। अच्छा पैसे हैं तेरे पास? नहीं। अच्छा रहने दो। तो यही है कि आप लोग यार हमें फॉलो करते रहें,
और पूरा रमज़ान ये इस सीरीज़ को देखें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।